Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next North Indian dynasty. आज हम जो क्लास है हमारी नॉर्थ डायनेस्टी के बारे में, अगले जो डायनेस्टी है उसको पढ़ेंगे और ये क्लास नंबर 15 है और इसके अंदर है पढ़ेंगे हम परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा, मालवा का परमार वंश, इस डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो डायनेस्टी है ये भी उत्तर भारत के अंदर मिलती थी हमें, ठीक है ना। उत्तर भारत जो नॉर्थन जो डायनेस्टी है उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम जो मालवा का परमार जो वंश है उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फाउंडर है वो था सियाक, ठीक है ना। उसको सियाक के नाम, उसका जो नाम था वो सियाक है और उसको श्री हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक इसकी इंस्टियल जो राजधानी थी वो उज्जैन थी, मतलब प्रारंभ इसकी जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। उज्जैन आपको पता है एमपी के अंदर है और बाद में धारा कर दी गई। कौन सी राजधानी बनाई गई, वो बेटा धारा बनाई गई। और धारा कहाँ की, धारा भी कहाँ पे है, ये है एमपी के अंदर। ग्रेटेस्ट रूलर और इस डायनेस्टी का सबसे बड़ा जो रूलर था वो था भोज, ठीक है ना। वो कौन था, भोज था। और भोज को इतिहासकार हैं वो एक बड़ा विद्वान भी मानते हैं, ठीक है ना। एक बड़ा विद्वान और एक साहित्यकार था कौन, जो राजा भोज था इसको, ठीक है ना। सुना होगा कि अपने कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ठीक है ना। ये वही राजा भोज है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, काफ़ी ज़्यादा रिच मतलब राजा हैं वो माने जाते हैं। और ये काफ़ी विद्वान भी थे और साथ के साथ ये इतिहासकार भी थे, ठीक ना। विद्वान और साहित्यकार या इतिहासकार हैं वो भी इनको माना जाता है। और इसने एक जो सिटी है वो बनाई बसाई भोजपुर नामक जो शहर है वो इसी के द्वारा बसाया गया। और भोजपुर एक सरोवर या फिर जो तालाब है इसी का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। ही डिफीटेड मैनी रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। इसने क्या किया है, अपने जीवन में काफ़ी बार जो चालुक्य जो डायनेस्टी है उसके काफ़ी जो रूलर्स होते हैं उनको हराया है। ही वॉज डिफिटेड बाई ए चंदेला रूलर नेम्ड बाई विद्याधर। देखिए इसने क्या किया, इसने अपने जीवन में काफ़ी बार या काफ़ी राजाओं को हराया है जो किस वंश के से, चालुक्य डायनेस्टी के थे, उनको हराया है। और ये खुद हार गया किस से, विद्याधर से, विद्याधर है इससे हार गया। और कौन सी डायनेस्टी का था ये था चंदेल डायनेस्टी का। तो बस इस डायनेस्टी के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट जो डायनेस्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो है चालुक्य जो डायनेस्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। चालुक्य दो वंश है, ठीक है ना, मतलब दो डायनेस्टी हैं। एक नॉर्थ इंडिया के अंदर जो लाई करती थी वो थी और एक जो साउथ इंडिया के अंदर जो लाई करती थी वो थी, ठीक है ना। दोनों के बारे में अलग से पढ़ेंगे बेटा। बस आज की क्लास के अंदर इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। स्पेशल हिस्ट्री बैच फॉर यूपीएससी के लेवल का ये जो बैच है वो चल रहा है और ये काफ़ी हेल्प करेगा आपका यूपीएससी मेंस और प्री के अंदर, दोनों के अंदर। बस बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।